हाय दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश प्रदेश हम लोग देखेंगे। इसके पहले हमने 5 लेक्चर ले लिया है, जिसमें राष्ट्रीय प्रदेश, विधिक प्रदेश, अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश, आर्थिक प्रदेश तथा खेल प्रदेश को समाप्त कर दिया है। अब हमारा इसके बाद में वैज्ञानिक प्रदेश बच रहा है और थोड़ा संक्षिप्तियाँ जो इम्पोर्टेंट हैं वो बच रही हैं, ठीक है। बाकी आज हम इसको देख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है इसके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होम एक्सपो इंडिया 2019। 16 से 18 अप्रैल 2019 के मध्य 3 दिवसीय होम एक्सपो इंडिया 2019 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट द्वारा किया गया। लगभग 500 कंपनियों ने इस आयोजन में अत्याधुनिक एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में होम डेकोर, फर्निशिंग, फर्नीचर, फ्लोरिंग और टेक्सटाइल के संग्रहों का प्रदर्शन किया। अमेरिका, यूरोप, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका सहित 50 से अधिक देशों के खरीदारों ने होम एक्सपो का दौरा किया। उल्लेखनीय है कि EPCH की स्थापना कंपनी अधिनियम के तहत वर्ष 1986-87 में की गई थी। यह हस्तशिल्प निर्यातकों का शीर्ष निकाय है जो हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने, समर्थन, संरक्षण, रखरखाव के साथ ही विदेशों में भारत की छवि को प्रस्तुत करने का कार्य करता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि होम एक्सपो इंडिया 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। और किसके तहत किया गया था, EPCHI अर्थात एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ एक्सलेंस, 10 मार्च 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रहमान खेड़ा में सेंटर ऑफ एक्सलेंस का शिलान्यास किया। इसकी स्थापना 22,78,00,000 रुपए से की धनराशि से की गई है, ठीक है। इसका कहाँ किया गया, रहमान खेड़ा में इसका शिलान्यास किया गया। आगे, बक्सर और खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र, 9 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा से वीडियो लिंक के माध्यम से बक्सर और खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र की आधारशिला रखी। ये कितने मेगावाट का है, 1320 मेगावाट का है, जो कि बक्सर बिहार में और बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोनों परियोजनाएं सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं, जिनमें प्रत्येक में 2 यूनिट्स 660 मेगावाट की हैं। यह दोनों यूनिट पर्यावरण की रक्षा हेतु नवीनतम उत्सर्जन नियंत्रण तकनीक से युक्त हैं। खुर्जा संयंत्र बुलंदशहर से उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली राज्य तथा बक्सर संयंत्र से बिहार और पूर्वी क्षेत्र लाभान्वित होंगे, ठीक है। श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना, 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र में श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का शिलान्यास किया। परियोजना के अंतर्गत मंदिर का सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण 380 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। अयोध्या विवाद का स्थायी समाधान ढूंढने हेतु मध्यस्थता समिति, इसमें आपको याद रखना है कि जो 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है उसमें कौन कौन शामिल है। उसमें जो शामिल हैं वो है सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति FM इब्राहिम कलीफुल्ला, और वो इसके अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। और जो अन्य 2 सदस्य हैं उनमें श्री श्री रविशंकर प्रसाद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता जो है श्री राम पंचू। और जो इसकी मध्यस्थता कार्यवाहियाँ आयोजित की जाएंगी वो कहाँ होंगी, अयोध्या में होंगी, ठीक है, इसको याद रखना। पिंक बस सेवा शुभारंभ, 6 मार्च 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में 22.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्भया योजना के अंतर्गत पिंक बस सेवा प्रारंभ किया। पिंक बस सेवा में जो है क्या है, कैमरे लगे होंगे, ट्रैकिंग के लिए GPS सिस्टम होगा तथा आपात स्थिति में पैनिक बटन की भी व्यवस्था है। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से पिंक बसों में महिला परिचालकों को नियुक्त किया गया, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है, पिंक बस सेवा जो शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वो किस योजना के अंतर्गत है, वो किस योजना के अंतर्गत है, निर्भया योजना के अंतर्गत, ठीक है, हाँ इसको याद रखना। कुंभ 2019 का समापन, 5 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने प्रयागराज में कुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 1 में स्थित गंगा पंडाल में कुंभ 2019 के समापन समारोह को संबोधित किया। 15 जनवरी से 4 मार्च 2019 तक संपन्न भव्य और दिव्य कुंभ में
24 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। पहली बार कुंभ को एक नया लोगो दिया गया। चार सौ 450 वर्षों से बंद अक्षयवट और सरस्वती कूप को दर्शन के लिए खोला गया। सत्तर देशों के राजदूत तथा 3200 से अधिक अप्रवासी भारतीय कुंभ में आए। 3 मार्च 2019 को प्रयागराज कुंभ मेला 2019 को तीन क्षेत्रों, सबसे बड़ी यातायात और भीड़ प्रबंधन योजना पेंट माई सिटी योजना के तहत सार्वजनिक स्थलों पर सबसे बड़ी पेंटिंग तथा सबसे बड़े स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान तंत्र में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। यूनेस्को ने कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है। इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड 3 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेठी के कोरबा में स्थित भारत रूस के संयुक्त उपक्रम इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड को राष्ट्र को समर्पित किया। कोरबा की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में विश्व की सबसे आधुनिक राइफलों में से एक AK-203 का निर्माण किया जाएगा। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड का जो शुभारंभ किया गया है या राष्ट्र को समर्पित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, वो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, तो अमेठी जिले में स्थित है, ठीक है। और उसके तहत क्या किसका निर्माण किया जाएगा? AK-203 का निर्माण किया जाएगा जो आधुनिक राइफलों में से एक है, ठीक है। और ये विश्व की सबसे बड़ी है, जो आधुनिक राइफलों की जो फैक्ट्री, वो विश्व की सबसे बड़ी है, इसको भी याद रखना, ठीक है दोस्तों। प्रसिद्ध भाजपा नेत्री और मथुरा से लोकसभा सांसद हेमा मालिनी यूपी गौ सेवा आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, ठीक है, फरवरी 2019 में। इस रूप में वह गौ सेवा आयोग की गौ संरक्षण संबंधी नीतियों को आम जनता के बीच पहुंचाएंगी। 18 से 27 फरवरी 2019 के मध्य आगरा में स्थित ताजमहल के पूर्वी द्वार के निकट शिल्पग्राम में ताज महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश पर्यटन के सहयोग से ताज महोत्सव समिति द्वारा किया गया। इस महोत्सव का मुख्य विषय परंपरा था। क्या था? परंपरा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि परंपरा जो मुख्य विषय है ये किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ताज महोत्सव से, ठीक है। स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स 21 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन लखनऊ में किशोरी बालिकाओं के लिए प्रदेश में अपनी तरह की पहली योजना स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 53 जिलों में 11 से 14 वर्ष आयु की स्कूल न जा पाने वाली बालिकाओं हेतु टेक होम राशन के रूप में देसी काला चना, अरहर की दाल तथा मोटा अनाज, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का, कोंदो, गेहूं तथा देसी घी दिया जाएगा। इस योजना का मुख्य विषय या मुख्य जो उद्देश्य है वो किशोरी बालिकाओं को शिक्षित और सशक्त करना है, जिससे वे आत्मनिर्भर तथा जागरूक नागरिक बन सकें, ठीक है। प्रोफेसर नामवर सिंह 19 फरवरी 2019 को हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं समालोचक नामवर सिंह का नई दिल्ली में निधन हो गया। उनका जन्म 28 जुलाई 1926 को वाराणसी के गांव जियनपुर, वर्तमान में जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश में हुआ था। छायावाद, इतिहास और आलोचना, कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज और वाद विवाद संवाद आदि प्रमुख रचनाएं हैं उनकी, ठीक है। उन्होंने हिंदी की दो पत्रिकाओं जनयुग और आलोचना का संपादन भी किया। इन्हें वर्ष 1971 में कविता के नए प्रतिमान साहित्यिक आलोचना पुस्तक हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका पहले एग्जाम स्टार्टिंग में T18 था, को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इससे पूर्व 27 जनवरी 2019 को रेल और कोयला मंत्री पीयूष गोयल द्वारा स्वदेश निर्मित भारत की पहली सेमी हाई स्पीड इंजन रहित ट्रेन 18 का वंदे भारत एक्सप्रेस रखे जाने की घोषणा की गई। यह ट्रेन दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाई जा रही है। ट्रेन की अधिकतम चालन गति जो है 160 किलोमीटर पर आवर है। विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त इस ट्रेन सेट का निर्माण 18 महीने की अवधि में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा किया गया है। पेट्रोटेक 2019
19 10 से 12 फरवरी 2019 के मध्य 13वां अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन ग्रेटर नोएडा स्थित एक्सपो मार्ट में किया गया। इसका आयोजन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में ONGC और FIPI द्वारा किया गया। इसका जो मुख्य विषय था वो क्या था, शेपिंग द न्यू एनर्जी वर्ल्ड थ्रू इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, नवाचार और सहयोग के माध्यम से नए ऊर्जा का विश्व आकार देना। कन्या सुमंगला योजना 7 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट 2019-20 में बालिकाओं के लिए कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई। इस योजना के तहत बेटी के पैदा होने से लेकर उसकी स्नातक की शिक्षा पूरी करने पर चरणबद्ध ढंग से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना हेतु बजट में 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आइए एक नज़र डाल देते हैं उत्तर प्रदेश बजट 2019-20 के बारे में। इसको किसने पेश किया था, राजेश अग्रवाल ने पेश किया। ठीक है, और ये वर्तमान सरकार का तीसरा पूर्ण बजट था। इसके तहत कुल 4,79,701.1 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वर्ष 2019-20 हेतु प्रस्तुत बजट का आकार 4,79,701.1 करोड़ रुपए है, जो विगत वर्ष के बजट अनुमान 4,28,384.52 करोड़ रुपए की तुलना में 11.97% तथा संशोधित अनुमान की तुलना में 6.7% अधिक है। कितना अधिक है, 11.97%। ठीक है, इस कुल व्यय में 3,63,957.04 करोड़ रुपए राजस्व लेखे का व्यय तथा 1,15,744.06 करोड़ रुपए पूंजी लेखा का व्यय शामिल है। बजट में 21,212.95 करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं भी सम्मिलित की गई हैं। बजट 2019-20 में कुल प्राप्तियां 4,70,684.48 करोड़ रुपए अनुमानित है, जबकि विगत वर्ष के बजट में यह 4,20,899.46 करोड़ रुपए अनुमानित थी। कुल प्राप्तियों में 3,91,734.4, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। राजस्व घाटा है वो कितना है, इस समय 46,910.62 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ठीक है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो कि प्रदेश का है उससे 2.97% है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2018 31 जनवरी 2019 को यह सम्मान बिहार के वरिष्ठ कथाकार रामधारी सिंह दिवाकर को प्रदान किया गया। इस पुरस्कार के तहत विजेता साहित्यकार को प्रतीक चिन्ह प्रशस्ति पत्र तथा 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। गंगा एक्सप्रेस वे 29 जनवरी 2019 को प्रयागराज कुंभ में संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई। यह एक्सप्रेस वे राज्य के पश्चिमी जिलों को प्रयागराज जो कि पहले इलाहाबाद नाम था से जोड़ेगा। इस एक्सप्रेस वे की लंबाई 600 किलोमीटर होगी। यह एक्सप्रेस वे मेरठ से शुरू होगा और अमरोहा बुलंदशहर बदायूं शाहजहाँपुर फर्रुखाबाद हरदोई कन्नौज उन्नाव रायबरेली प्रतापगढ़ से होते हुए प्रयागराज में समाप्त होगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत लाभ 36,000 करोड़ रुपये होगी। ठीक है, ये किस जिले से हो मतलब निकल कर जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि PCS 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है वो किस जिले से नहीं होकर जाएगा, तो उसमें जो सही आंसर था वो बस्ती था। ठीक है, तो यहाँ ये जो जिले दिए गए इनको इम्पोर्टेंट, इनको तो जरूर याद रखना। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 2019 15वें प्रवासी भारतीय दिवस 2019 का आयोजन 21 से 23 जनवरी 2019 के मध्य वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के सहयोग से किया गया। 22 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया गया। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। प्रवासी भारतीय दिवस 2019 का विषय था रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग अ न्यू इंडिया। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस 2019 के पहले दिन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा युवा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया गया। नॉर्वे के सांसद हिमांशु गुलाटी विशेष अतिथि तथा न्यूजीलैंड के सांसद कमलजीत सिंह बक्सी युवा प्रवासी भारतीय दिवस पर विशिष्ट यानी गेस्ट ऑफ ऑनर थे।
युवा प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय के सहयोग से किया गया। 23 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा समापन दिवस के अवसर पर 23 देशों के 30 अनिवासी भारतीयों, भारतीय मूल के व्यक्तियों तथा संगठनों को प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 प्रदान किया गया। प्रवासी भारतीयों के कुंभ मेले 24 जनवरी और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी समारोह में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15वें प्रवासी भारतीय समागम का आयोजन 9 जनवरी के स्थान पर 21 से 23 जनवरी 2019 के मध्य किया गया। वर्ष 2003 से 2015 तक प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन वार्षिक रूप से किया गया, परंतु अब इसका आयोजन द्विवार्षिक रूप से किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण। 18 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की 12 जनवरी 2019 की अधिसूचना के माध्यम से 103वें संविधान संशोधन द्वारा सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था को 14 जनवरी 2019 से प्रदेश में प्रभावी किए जाने को सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी 10% जो रिजर्वेशन मिलता है EWS को, वो लागू है। रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना। 11 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना के कार्यान्वयन हेतु नई दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर किए। रेणुका जी बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिलों में यमुना नदी की सहायक नदी गिरी नदी पर क्रियान्वित की जाएगी। परियोजना के अंतर्गत गिरी नदी पर 148 मीटर रॉक फील्ड बांध का निर्माण किया जाएगा। 42वां भारतीय समाज विज्ञान कांग्रेस 2018 27 से 31 दिसंबर 2018 के मध्य भारतीय समाज विज्ञान अकादमी प्रयागराज के सहयोग से कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। मुख्य विषय क्या था? ह्यूमन फ्यूचर इन डिजिटल एरा। ई रुपया कार्ड। 22 दिसंबर 2018 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में पंजाब नेशनल बैंक के ई रुपया कार्ड का शुभारंभ किया गया। कुंभ मेला परिसर में लगभग 1000 दुकानों पर इस कार्ड का उपयोग किया गया। मेले में इस कार्ड के उपयोग से छोटे नोटों एवं फुटकर की समस्या नहीं होने पाई। ई रुपया कार्ड का PNB ने पेटेंट भी कराया है और इसका सफल प्रयोग राजस्थान के गाँव में हो चुका है। कुंभ 2019 का पंजाब नेशनल बैंक डिजिटल पार्टनर भी था। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन याद रखना है कि जो ई रुपया प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था वो किस बैंक से सहयोग या संबद्ध था। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक से था। ठीक है, उत्तर प्रदेश को समावेशी विकास में प्रथम स्थान। इंडिया टुडे 27 नवंबर 2018 को राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार पत्रिका इंडिया टुडे के दिसंबर 2018 के राज्यों की दशा दिशा विशेषांक में उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक सुधार दर्शाने वाले राज्यों की रैंकिंग में समावेशी विकास के मानक पर प्रथम स्थान तथा पर्यटन के क्षेत्र में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। इसको याद रखना कि इंडिया टुडे की जो पत्रिका है उसके द्वारा समावेशी विकास में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो उत्तर प्रदेश को हुआ है। लेकिन अगर पर्यटन क्षेत्र में बात की जाए तो द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, जबकि सर्वाधिक सुधार दर्शाने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश को शिक्षा और उद्यमिता के क्षेत्र में तृतीय स्थान मिला है। ये भी इम्पोर्टेंट है। लखनऊ महोत्सव 2018 25 नवंबर 2018 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ महोत्सव 2018 का शुभारंभ किया। यह महोत्सव अटल बिहारी वाजपेयी जी की पावन स्मृति में आयोजित किया गया। अटल जी को समर्पित इस आयोजन की थीम अटल संस्कृति अटल विरासत थी। लखनऊ महोत्सव का आयोजन 25 नवंबर 2018 से 5 दिसंबर 2018 के मध्य हुआ। ठीक है, 10 अगस्त 2018 को एक जनपद एक उत्पाद शिखर सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया गया। इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। सम्मेलन में एक जनपद एक उत्पाद ODOP के लाभार्थियों को 500 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। ठीक है, देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल राष्ट्र को समर्पित। 12 नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में देश के पहले मल्टी मॉडल टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित किया। इससे बंगाल के हल्दिया से वाराणसी तक जल मार्ग संचालित किया जाएगा। कंटेनर वेसल चलने से अब पूर्वी
भारत भी बंगाल की खाड़ी से जुड़ गया है। वाराणसी से हल्दिया के बीच 5,000 करोड़ रुपये खर्च कर सुविधा विकसित हो रही है, जिससे पूर्वी भारत को बड़ा फायदा मिलेगा। सामान ढुलाई के अलावा यह पूर्वी भारत के राज्यों को एशियाई देशों से भी जोड़ेगा, इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। रानी हो स्मारक शिलान्यास 6 नवंबर 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा कोरिया की प्रथम महिला किम जोंग सुक अयोध्या में दीपोत्सव 2018 के अवसर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर सरयू तट पर 3 लाख से अधिक दीप जलाए गए, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दक्षिण कोरिया के पर्यटन, संस्कृति एवं खेलकूद मंत्री डू जांग ह्वान द्वारा रानी हो स्मारक का शिलान्यास दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला की उपस्थिति में किया गया। जीत प्रोजेक्ट का शुभारंभ 5 नवंबर 2018 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में टीबी उन्मूलन हेतु, किसके लिए, टीबी उन्मूलन हेतु जीत प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। जीत प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, टीबी उन्मूलन से संबंधित है, टीबी को पूर्णतः समाप्त करने से संबंधित है, ठीक है। भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जहां विश्व के कुल टीबी रोगियों में लगभग 25% निवासित है। भारत के 20% टीबी जो रोगी है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है, मतलब जो 25% पूरे भारत में है टीबी से संबंधित रोगी, उसमें 20% केवल उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार जीत कार्यक्रम का उद्देश्य पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के सहयोग से निजी क्षेत्र के चिकित्सकों को कार्यक्रम में उपलब्ध सेवाएं, गुणवत्तापूर्वक जांच एवं उपचार सेवाओं की पहुंच को प्रत्येक जनमानस तक उपलब्ध कराना है, ठीक है। रेल पार्क इन्वेस्टर्स मीट 30 अक्टूबर 2018 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन हुआ, ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेल पार्क के लोगों का लोकार्पण तथा रेल पार्क के 3D मॉडल का अनावरण भी किया। जनपद फतेहपुर में स्थापित किया जा रहा यह रेल पार्क प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में प्रदेश का पहला पार्क होगा। इस पार्क के अंतर्गत स्थापित उद्यमों में लालगंज मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री के लिए पार्ट्स बनाए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क नीति लाई गई है। जनपद फतेहपुर में विकसित हो रहा रेल पार्क इस नीति के तहत विकसित किया जा रहा पहला पार्क है। इलाहाबाद मंडल का नाम परिवर्तित, शासकीय अधिसूचना 18 अक्टूबर 2018 द्वारा जिला इलाहाबाद का नाम जिला प्रयागराज के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, ठीक है, और फैजाबाद का नाम अयोध्या के नाम से हो गया है। चतुर्थ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2018, चतुर्थ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2018 का आयोजन 5 से 8 अक्टूबर 2018 के मध्य इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में किया गया। यह पहला अवसर है जब लखनऊ में साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया गया, यह पहला अवसर है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2018 का शुभारंभ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया। इस संस्करण की थीम साइंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन है। ज्ञातव्य है कि पहले साइंस फेस्टिवल का आयोजन दिल्ली में किया गया था। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2018 पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित है। देश के विशालतम इंक्यूबेटर की स्थापना लखनऊ में 15 सितंबर 2018 को यूपी स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन IIM परिसर लखनऊ में किया गया। इस कॉन्क्लेव का आयोजन IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश मैनेजमेंट एसोसिएशन तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ के सहयोग से किया गया। प्रतिष्ठित कंसल्टेंसी संस्था KPMG एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड आयोजन के नॉलेज पार्टनर थे। उत्तर प्रदेश के स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय पहुंच सुगम बनाने के लिए ₹1,000 करोड़ से उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की स्थापना की जा रही है। 2 जुलाई 2018 को स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के नगरीय निकायों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों को स्वच्छ उत्तर प्रदेश 2018 पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में सर्वाधिक गतिशील शहर हेतु नगर निगम गाजियाबाद को पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर 3 से 10 लाख जनसंख्या की श्रेणी में नवाचार एवं सर्वोत्तम प्रथाएं हेतु सर्वोत्तम शहर के लिए नगर निगम अलीगढ़ को पुरस्कृत किया गया। 3 से 10 लाख की जनसंख्या के अंतर्गत स्वच्छ उत्तर प्रदेश पुरस्कार 2018 से नगर निगम वाराणसी, झांसी, कानपुर एवं आगरा को सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ राष्ट्रीय कार्यक्रम वन ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए किसान सिंचाई विद्यालय संचालित किया जा रहा है। गोकुल पुरस्कार 2017-18, 6 अगस्त 2018 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2017-18 के गोकुल पुरस्कार को वितरित किया।
ठीक है। वर्ष 2017-18 में राज्य में सर्वाधिक दूध आपूर्ति करने वाले लखीमपुर खीरी जिले की दुग्ध समिति बेलवा मोटी के सदस्य वरुण सिंह को प्रथम पुरस्कार 2,00,000 रुपये प्रदान किया गया। डायल FIR योजना, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा डायल FIR योजना का शुभारंभ किया गया। देश में अपनी पहली तरह की परियोजना है, ठीक है, जो ऑनलाइन अब होगी। योजना के तहत आम आदमी पुलिस थाने में न जाकर फ़ोन से ही आए दिन होने वाले अपराधों की प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, ठीक है। एक तरह से क्या है, ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है, कि घर पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है या किसी भी तरह का जो है आपके ऊपर आपत्तिजनक जो भेदभाव रही थी या किसी तरह से अगर आक्रमण किया गया है तो आप घर पर ही रहकर फ़ोन करके FIR दर्ज करा सकते हो, ठीक है। उत्तर प्रदेश पंजाब के बाद ऐसे स्थानीयकृत ऑनलाइन आपराधिक डेटाबेस तैयार करने वाला दूसरा राज्य है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनपद आजमगढ़ के ग्राम मंदुरी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण के निर्माण का शिलान्यास किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में प्रारंभ होकर, ठीक है, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ तथा मऊ होते हुए जनपद गाजीपुर तक जाएगा। ये क्वेश्चन जो है 2018 PCS में आया था कि इसके तहत कौन से ज़िले नहीं आते, तो उसमें जो ऑप्शन दिया गया था उसमें बस्ती लिखा था, ठीक है, तो बस्ती जिला इसके अंतर्गत नहीं आता है। ज्ञातव्य है कि 6 लेन चौड़े 8 लेन तक विस्तार योग्य प्रवेश नियंत्रित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 341 किलोमीटर होगी। इस परियोजना की निर्माण अवधि 3 वर्ष रखी गई है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा उत्तर प्रदेश प्रदेश। इसमें एक चीज़ याद रखना कि जो उत्तर प्रदेश टूरिज्म का जो टैगलाइन है वो है उत्तर प्रदेश नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, ठीक है, इसको याद रखना। बाकी हम जो अपने नेक्स्ट जो अपने लेक्चर है उसको वैज्ञानिक प्रदेश को लेकर आएंगे, ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि कल या कल नहीं तो परसों तक हम इसको जो 2018 है करंट अफेयर घटना चक्र इसको ख़त्म कर दें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अपने अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट को बता सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।